आप वो थोड़ा सा पैकेज बताओ लोगों को, जिसपे लोग ज्यादा वेट करते हैं कि यार स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सर पैकेज क्या होता है। देहरादून में व्हेन व्हाइल आई वाज वर्किंग तो वहां पर मेरा पैकेज 30,000 पर मंथ था। तो यहाँ पर जब मैं कंपनी में स्विच हुआ तो हम लोगों ने एक शर्त रखी कि 1 महीना आपको पहले देखेंगे कैसे मतलब क्या कितने घंटे। तो अभी मेरा नेक्स्ट मंथ इंक्रीमेंट हुआ है अप्रोक्सीमेट 6 लाख पर एनम का पैकेज मिला है। गाइस कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं हूं कस्टमर, आप देख रहे हैं इसमें सेल्फ हीलिंग। गाइस एक पॉडकास्ट सीरीज की स्टार्ट हो रही है और इस सीरीज में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, बीम इंजीनियर्स, बीम मॉडलर सबके साथ मुलाकात करवा रहा हूं एक एक करके। तो इसी सीरीज में अभी आपके साथ मैं अपने एक्स स्टूडेंट्स प्रखर से मिलवा रहा हूँ। ही इज राइट नाउ स्ट्रक्चर इंजीनियर और जो पैकेज ये गेट कर रहे हैं इसमें ये आपके लिए बहुत अच्छा पैकेज का एक टारगेट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपने करियर को कैसे मोल्ड किया, कैसे यहाँ तक आए, इसी जर्नी पर हम लोग छोटा सा कन्वर्सेशन करेंगे। आप जस्ट इसका बेनिफिट ऐसे उठाइए कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, जिस जगह से आ रहे हैं उस जगह पर जॉब लेना कितना टफ है, फिर भी इन्होंने किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज किया, ये सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ पर डिस्कस करेंगे। प्रखर का पहले, प्रखर आपको बहुत बहुत स्वागत है। प्रखर आप पहले तो अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हो और अभी किस कंपनी में वर्क कर रहे हो और क्या आपकी प्रोफाइल है, मैं चाहता हूँ आप अपने तरफ से बताओ। गुड मॉर्निंग एवरी वन। आई एम फ्रॉम देहरादून। आई हैव डन माई बी टेक फ्रॉम देहरादून और अभी तक सर मैं देहरादून में ही जॉब कर रहा हूँ। लास्ट मंथ आई हैव मूव टू नोएडा। दिल्ली आई एम वर्किंग एज अ स्ट्रक्चर डिजाइनर। ओके, यू आर द स्ट्रक्चर इंजीनियर राइट? यस सर। वो कौन सी कंपनी है अगर आप चाहो तो मैं बता सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे अभी अभी एक गुड न्यूज़ मिला कि पैकेज का बहुत ज़्यादा हाइक मिला, तो आप अपना प्रीवियस पैकेज और ये पैकेज का थोड़ा सा अगर बताओगे तो लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये पैकेज है स्ट्रक्चर के अंदर, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही ऑप्शन है कि वहीं जाके खड़े रहना है तभी पैकेज का ग्रोथ होगा। सर एज स्ट्रक्चर इंजीनियर की अपनी जर्नी शुरू की थी तो मैंने एमटेक करी थी, मास्टर्स करी थी। लेकिन मास्टर्स में भी हमें वो नॉलेज, वो इनपुट्स, इनसाइट्स हमें पता नहीं थे कि मतलब एक हम पे प्रोजेक्ट आ रहा है तो हमें बेसिकली क्या करना है उसका, या हमारे पास एक लैंड का साइज आया है तो उसे कैसे डेवलप करना है, क्या करना है। तो फिर जब मैंने कोर्स वगैरह आपका ज्वाइन किया तो बेसिक आर्किटेक्चर से हमने स्टार्ट किया था, प्लानिंग, मॉडलिंग, उससे भी हमने फिर कॉलम प्लेसिंग बेसिक से पूरा शुरू करके सीखा। उसके बाद मैंने देहरादून में एक बहुत रेपूटेड फॉर्म है डिजाइन टेक, उसमें जॉब करी 6 मंथ। लेकिन ड्यू टू टियर टू सिटी सर ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है तो आई शिफ्टेड टू नोएडा राइट नाउ। और आप वो थोड़ा सा पैकेज बताओ लोगों को, जिसपे लोग ज्यादा वेट करते हैं कि यार स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का पैकेज क्या हो सकता है। देहरादून में व्हेन व्हाइल आई वाज वर्किंग तो वहां पर मेरा पैकेज 30,000 पर मंथ था। तो यहाँ पर जब मैं कंपनी में स्विच हुआ तो हम लोगों ने एक शर्त रखी कि 1 महीना आपको पहले देखेंगे कैसे मतलब क्या कितने घंटे। तो अभी मेरा नेक्स्ट मंथ इंक्रीमेंट हुआ है अप्रोक्सीमेट 6 लाख पर एनम का पैकेज मिला है। उन्होंने अब मतलब हाइक दी है मुझे, जो इंटरव्यू पे टाइम पे देनी चाहिए उसको भी नहीं, अब नहीं आपका। और प्रखर इसमें ये भी सीखने को मिल रहा है कि जो पैकेज मिला आपने उसको एक्सेप्ट किया पहले, ऐसा नहीं कि अचानक से ही हमको 6 लाख पर पहुंच गया है ना, 6 मंथ की जर्नी रही जो डेफिनेटली आपके लिए स्टार्टिंग कोई टफ रही होगी, फिर उसके बाद आपने वो गेन किया। और मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रक्चर्स में अगर कोई जॉब करियर बनाना चाहे तो आराम से बना सकते हो, और आई थिंक पैकेज आपके सीनियर्स भी कुछ होंगे जो और अच्छा भी पैकेज ले रहे हो, अच्छा जी सर। कंसिस्टेंसी इसमें मेन रोल प्ले करती है क्योंकि बहुत टाइम ऐसा, इनिशियली भी बहुत टाइम ऐसा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ज्वाइन करने से पहले भी बहुत टाइम मतलब ऐसा था कि मैं कभी भी गिव अप कर सकता हूँ। लेकिन उसको बस कंटिन्यूएशन में करते रहे, बहुत ज्यादा अलग कुछ नहीं किया, बस बेसिक से पढ़ते रहे पढ़ते रहे, धीरे धीरे अब सही हो गया। बहुत सही। तो अभी आपका स्पेशली जॉब रोल क्या है वहाँ पर, मींस क्या क्या वर्क रहता है आपका? सर बेसिकली आई एम इन्वॉल्व्ड इन सिविल डिजाइन इंजीनियर, जो मेरा जॉब रोल है। तो उसमें क्या है कि अभी लास्ट फॉर्म में तो हम लोग प्रॉपर बिल्डिंग वगैरह सब कुछ डिजाइन करते थे, डिटेल एंड डिजाइन। अभी करंट ऑर्गेनाइजेशन ये सोलर बेस्ड फॉर्म है, सोलर डिजाइनिंग की फॉर्म है। तो इसमें हम MMS मॉड्यूल जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्राउंड माउंट हो गए या फिर रूफ टॉप स्ट्रक्चर्स हो गए, ये सब हम लोग डिजाइन करते थे। स्टैंड मोर ओवर या स्टैंड तो सर
मोरोवर बहुत हेल्प मिलती है सर। अभी जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें, अभी यहाँ पर इनफैक्ट कोई और डिजाइनर भी नहीं है, अकेला ही डिजाइन कर रहा हूँ मैं इसको। तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो कई लोगों को नहीं आती है, जैसे हमारे ड्राफ्टमैन भी है, उनसे भी मैं कभी कभी करवा देता हूँ जब लोड ज्यादा होता है। तो लोग नहीं, मतलब एमटेक कर करके भी वो नॉलेज नहीं मिल पा रही है सर, बेसिक्स पे कैसे काम करना है। करेक्ट, आपको बेंडिंग मूवमेंट्स और वो सब तो पढ़ा दिया जाएगा, सब बड़ा बड़ा चीज, वो सब उसकी एप्लीकेशन कोई नहीं बता पाता है हाँ। ये कहाँ यूज होगा, कहाँ चेक करना है, कैसे। अच्छा ये बताओ, आपको पता नहीं याद हो गया, काफी टाइम लोग हो गया, लगभग 1 साल तो हो गया ना बैच कंप्लीट हुए हम लोग का स्ट्रक्चर का। मैंने मैंने तो रिवीजन भी किया था, अच्छा मैंने दो बार कंटिन्यू किया था अच्छा ऑल इन वन के बारे में बताओ, ऑल इन वन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा मुझे ऐसा लगता सर। आज भी सीखते हैं, आज भी है। कोई कभी कुछ स्किप हो जाता है सर तो अभी भी खोल लेता हूँ। अभी मैंने इनफैक्ट लास्ट वीक के अंकित सर से वेबसाइट का हमारा कुछ चेंज हुआ है शायद, हाँ हाँ लैपटॉप में खोलने वाला तो खुल नहीं हाँ रहा था, तो मैंने सर से अभी खुलवाया था। और एक चीज और कि अच्छा जी, तुमको जैसे कि स्ट्रक्चर गुरुकुल के बारे में तुमको पता कहाँ से चला था, प्लीज जो अपना गुरुकुल बैच है उसके बारे में कैसे पता चला था तुमको, ऑनलाइन इंटरेक्शन हुआ था, मीन्स ऑनलाइन 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 यूट्यूब से पता हो चला होगा जहाँ तक है ना। तो अभी अच्छा उसमें हम लोग मॉक इंटरव्यू करते हैं, तुम्हारा मॉक इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा है, उससे कुछ बेनिफिट लगा तुमको? जी सर, काफी मतलब रियलिटी से टच कराया जाता है उसमें, मतलब कहाँ पर कितने पानी में वो पता चलता है हर वीक। और कुछ ना हो तो सर जितने क्वेश्चन उस दिन पुट अप होते हैं या मुझ पे पुट अप हुए ड्यूरिंग द मॉक इंटरव्यू, वो तो मेरे कंफर्म हो गए कि मैं रिप्लाई दे दूँ उसका। और तुम्हारा जो लास्ट कंपनी था, वहाँ पर जो लास्ट कंपनी में तुम काम कर रहे थे वहाँ पर क्या क्या तुम्हारा वर्क होता था, और उसमें क्या बोलते तुम्हारा क्या क्या जॉब रोल होता था? सर उसमें मेरा मेजर एक रीज़न ये भी था वहाँ से छोड़ने का कि मेजरली मैं बिल्डिंग डिज़ाइन करता था बस, डिटेल विटेल हमें नहीं कराते थे। मोर ओवर एक उन्होंने मेरे ऊपर लैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी और डाल दी कि आप लैब भी, उनका जो लैब असिस्टेंट थे वो, उनका एक एक्सीडेंट हो गया था तो अचानक से, और वो ब्रिज डिज़ाइन के भी कौन थे तो अच्छा सॉइल टेस्टिंग वगैरह बहुत सारी आती थी। अप्रॉक्सीमेट 34 पेजेस की सॉइल रिपोर्ट मैंने रेडी करवाई है वहाँ, अच्छा मतलब जियोटेक का भी काम था वहाँ पे। जी। ओके तो उसमें भी मैं इन्वॉल्व रहता था, और ये बिल्डिंग डिजाइन तो हम लोग करते ही रहते थे, मतलब वीकली मैं एक दो आदत भी तो करते थे डिटेलिंग ये जियोटेक प्लान। ई ई टेप्स पे करते थे, स्टैट पे करते थे? नहीं सर, ई टैब्स में हमें रिपोर्ट से ही पता चला था कि ई टैब्स हाई राइज में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, तो सर हम ऑलरेडी देहरादून में काम कर रहे थे, इट्स अ ज़ोन 5 इन सेस्मिक, तो जो है हाँ 5 5 5 5 माले से ऊपर जाता नहीं है सबसे ज़्यादा, तो इस वजह से स्टार्ट को में हम लोग काम करते अच्छा, तो वहाँ पर बेसिकली तुम्हारा स्टैट पे ज़्यादा काम था, और ऑटोकैड पे डिटेलिंग के लिए डिटेलर रहे होंगे वहाँ पर कुछ, हैं। जी, है ना? डिटेलर करते सर, बहुत बढ़िया, डिटेलर भी आपने RCDC वगैरह भी सिखाया था, डिटेलिंग तो वहाँ थोड़ा भी एक भौकाल एकदम रहा होगा कि यार मुझे RCDC भी आता है। जी सर, मतलब 15 20 मिनट में डिटेलिंग दे जाती है। हाँ ऑल्दो डिटेलिंग बहुत लंबा काम है अगर वैसे देखा जाए, मैनुअली आदमी करे। हाँ अगर मैनुअली करते तो थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है, और अगर आप सॉफ्टवेयर को यूज कर लेते हो फटाफट काम हो जाता है ना। ठीक है, तो अभी क्या बोलते हैं, इस कंपनी में अभी रिसेंटली ज्वाइन किया ना? जी क्लास में सर, ठीक है, और एमटेक के बाद कुछ ऐसे कुछ टाइम तक कुछ ऐसे कुछ किया था क्या, क्योंकि स्ट्रगल की अभी फेस कर रहे थे कि कुछ इंटरव्यू के लिए कैसे करूँ क्या करूँ, एमटेक के बाद डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया था स्ट्रक्चर गुरुकुल या फिर उसके पहले कुछ किया था? सर एमटेक के लगभग 3 4 महीने बाद ज्वाइन किया था मैंने, जब कुछ नहीं मिल रहा था, अच्छा मतलब मैंने मैंने काफ़ी अप्लाई किया था देहरादून में, ऑलमोस्ट एवरी फॉर्म में मैंने अप्लाई कर दिया था, लेकिन सबको स्किल चाहिए सर, स्किल्स चाहिए, काम चाहिए, कोई भी रख के आप सिखाना नहीं चाहता, ये तो मैंने देखा है मात्र। तो क्या बोलते हैं, मतलब आप कुल मिला के स्ट्रक्चर गुरुकुल में कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट तो जरूर मिला होगा कि काम आ गया था, बस वहां जाके ब्रशअप हुआ हूँ बस। ठीक जी, है, काफी वहाँ कुछ जाके सर वही एक्सप्लोर होता है, फिर तो हाँ सिविल तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है सर, नेवरेंडिंग प्रोसेस है, सही बात है। एक बार सीखना है सर। और अगर जो जो न्यू स्टूडेंट्स जो आपके वीडियो को देख रहे हैं, प्रखर को देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो किन चीज़ों पर काम करें, क्या ऐसा करें कि जॉब से पहले ही रेडी हो जाए जॉब के लिए, ऐसा क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं, ब्रीफ में उनको कुछ बताना चाहो तो बिल्कुल बताओ अपने फ्रेशर्स को, जूनियर्स को।
में तो एक ही चीज है कि कोर्स ज्वाइन कर लें, बाकी कंप्लीट पैकेजेस है उसमें, मतलब बेसिक से लेके आप कुछ भी नहीं आता है, सिविल का आदमी नहीं भी है मैं समझता हूँ तो भी वो डिजाइनिंग कर लेगा कोर्स के बाद। नहीं स्ट्रक्चर गुरुकुल में तो बेनिफिट है, बट ठीक है वो अगर स्ट्रक्चर गुरुकुल में नहीं आ रहे हैं तो स्पेशली उनको क्या क्या स्किल्स पढ़ लेना चाहिए या फिर ऐसे कि किन किन चीज़ों का नॉलेज ले लेना चाहिए तो वो इंटरव्यू में जाएँ तो क्रैक करें। ठीक है स्ट्रक्चर गुरुकुल में आ रहे तो हमने तो पूरा एक कॉम्बिनेशन बना रखा है कि भाई ये चीज़ें चाहिए और ये पढ़ लो काम हो गया ये तो फिक्स है। लेकिन अगर वो मान लो स्ट्रक्चर गुरुकुल में नहीं आ पा रहे ड्यू टू एनी रीजंस तो उनको क्या क्या तैयार करके इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए बस क्या क्या लगता है। सर इंटरव्यू में मतलब टेक्निकल वैसे डिटेल में कम पूछा जाता है, टेक्निकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो यूज़ हो रहा है। मतलब आप पहले अपना जॉब रोल चेक कीजिए किस रिगार्डिंग है। अब जैसे मैंने सोलह वाली फर्म में इंटरव्यू किया था, इसमें हमारा बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया था, सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर पे ही फोकस था, प्राइमरी की काम क्या है कैसा है क्या नहीं। तो आप पहले तो जॉब को चेक मतलब अच्छे से इवेलुएट कीजिए कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको, उस हिसाब से फिर उसका प्रिपरेशन स्टार्ट होता है। बाकी एक मैंने अभी लास्ट वीक भी इंटरव्यू दिया था, बिल्डिंग डिजाइन की फॉर्म है, ऑफर लेटर सर वहाँ से मिल गया मुझे, अरे वाह पर अभी स्विच नहीं करना है। तो वहाँ पर जैसे इन लोगों ने कुछ बेसिक्स पूछे सर, मतलब जैसे फुटिंग का कवर क्या है, कॉलम बीम का कवर क्या है, और रिइंफोर्समेंट परमिसेबल परसेंटेज क्या है, इस तरह के बेसिक्स उन्होंने बहुत पूछे, उन्होंने कुछ है भी नहीं पूछा। तो वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे भी, बाकी मेन तो यही है सर किस किस तरह का काम कंपनी आपसे चाहती है और उसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। वही देखो मैं आप लोग के गुरुकुल में बैठ के बताता हूँ कि इंटरव्यूअर अगर समझदार है केवल तीन जगह से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है कि आपके रिज्यूम में जो आपने लिखा हुआ है वो एलिजिबल है वहाँ से पूछने के लिए। मैं आपसे पूछूँ कि अमिताभ बच्चन का डेट ऑफ बर्थ क्या है कोई वर्थ निकला क्या उस बात का है ना। तो पहली चीज़ रिज्यूम, दूसरी चीज़ सामने वाले का जॉब रोल यानी जॉब डिस्क्रिप्शन राइट उसकी जरूरत। जैसे तुमने वो अभी सोलर, अब सोलर का मतलब है कि उनको पैनल की डिज़ाइन करवानी है, पैनल के पीछे ट्रसेस लेने, ट्रसेस का डिज़ाइन माइल्ड स्टील यूज करेंगे हॉट रोल स्टील यूज करेंगे, इसमें कुछ पूछना चाहिए उनको है ना। तो जॉब डिस्क्रिप्शन, और तीसरी चीज़ है तुम्हारा प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जिससे हम एक एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं कि भाई ये पर्सन ने प्रीवियस प्रोजेक्ट कैसे किए थे और किए थे कि नहीं किए थे, मतलब कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है ना। तो ये चीज़ इंसान चेक करता है। बेसिकली मैं यही जानता हूँ कि इंटरव्यू में तीन जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपके रिज्यूमे से या जॉब डिस्क्रिप्शन से और या फिर सामने वाले ने जो प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं उन प्रोजेक्ट से राइट। ठीक है तो प्रखर आपका यही कहना है कि आप बेसिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के रखें और वो भी जो अप्लाई करने के लिए यूज़फुल है राइट। ये अगर वर्क करे तो इंसान कर सकता है आराम से। और आपको क्या लगता है कि साइट इंजीनियरिंग बेटर रहेगा या फिर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बेटर रहेगा, आपका क्या एक्सपीरियंस है। सर डिपेंड करता है कि मतलब अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे इनिशियली जब मैंने बीटेक कंप्लीट की थी तो मैं मतलब मुझे पसंद था साइट पर घूमना फिरना कि साइट पर विजिट कर रहे हैं, मटेरियल पे ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली जब मैं 2 साल 3 साल इस पर काम किया तो मैंने देखा है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं हो सकती है कि आप मतलब कल को फैमिली भी डेवलप होती है, सब कुछ होता है, तो फिर उसमें काफ़ी स्ट्रगल है साइट पे। 24 घंटे की जॉब है सर ऑलमोस्ट हम बताया, क्योंकि दिन भर काम चलता है, रात को भी कभी गाड़ी आ रही है कभी कुछ है, आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। और व्हाइट कॉलर की तलाश रहती है। मैंने ऐसे देखा, मैं कल ऐसे जा रहा था एक हेयर कट करा रहा था, एक बच्चा घूम रहा था, वो एक सामने बिल्डिंग बन रही थी उसी का उसी में साइट इंजीनियर था। और ऐसा हो जाता है कि यार जहाँ पे रहते रहते ऐसे हो जाता है कि वो साइट इंजीनियर वाली फीलिंग जो है मुझे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है, कोई अफेंड नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाता है। तो उसको उसको मैंने गेस किया कि साइट इंजीनियर हो सकता है, गेस करना पड़ा क्योंकि वो पूरा मतलब कैसे होता है कि आदमी धीरे धीरे। और जो ये स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में क्या है कि आप एक वर्ड बोलते हो ना स्ट्रक्चर इंजीनियर, ये वर्ड ही पर्याप्त होता है आपके व्हाइट कॉलर को रिप्रेजेंट करने का। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत यूनिक स्ट्रीम है। और सबसे बड़ी बात कि देखो कहीं ना कहीं इसमें एक किक मिलता है यार, आज ये सीखा आज ये सीखा। और ये डेली लर्निंग प्रोसेस है, जैसे उन्होंने खुद बोला कि ठीक है आपने एक कॉलेज कर लिया हो तो पार्ट था, अभी मेन लर्निंग तो यहाँ रोज मिलती होगी कि क्लाइंट ने रिविजन दे दिया हमको ऐसा चाहिए, ठीक है फिर उसके बाद आपने उसमें भी लर्निंग किया। मेरे अकॉर्डिंग ऑफिशियल जॉब जो है उसमें स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एक अच्छा प्रिफरेंस हो सकता है। और आपके अकॉर्डिंग ऐसा है कि आप ऑलरेडी आप एक एग्जाम्पल हो 6 लाख का पैकेज ले रहे हो, कल को
डेफिनेटली आप कुछ लोग को जानते होंगे जिनका पैकेज हो सकता है 10-12 लाख तक का होगा, इवन मोर देन दैट, और अब धीरे धीरे आपका भी ब्रिज बन रहा है और आप आगे बढ़ोगे बढ़ोगे। चलिए बहुत अच्छा प्रखर, थैंक यू। आपने समय दिया सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके इस पॉडकास्ट से लोग ये सीख सकते हैं कि भाई बेसिक्स पर काम करना है, और अगर आपको कंप्लीट एक सोल्यूशन चाहिए तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार स्ट्रक्चर बिल्कुल एक बेहतर ऑप्शन ऐसे इसलिए हो सकता है, कोई वो एक मार्केटिंग नहीं है, एक जेन्युइन चीज़ है कि भाई डेफिनेटली आपको एक पैकेज मिल जाता है कि क्या क्या आना चाहिए, है ना। और अपने से सीखने में क्या होता है, कभी ये सीख रहे हैं कभी वो सीख रहे हैं, पता ही नहीं कि चाहिए कि नहीं चाहिए कंपनी को, ठीक है। तो ये बड़ा टीचर्स इम्पोर्टेंट है। की वैल्यू यही, मतलब टीचर्स को सब पता रहता है क्या रिक्वायरमेंट होगा। जैसे हम लोग पे इनिशियली कोई क्वेश्चन आता है तो हमें नहीं पता रहता है कि इनपुट्स क्या क्या चाहिए हमें, तो वही है कि टीचर्स को सब पता रहता है। अब एक चीज है कि हम खुद ढूंढे एक हफ्ते पढ़े किसी चीज को, या तो एक आधे घंटे में एक क्लास में हम लोग सब कुछ समझते हैं, वही पूरे कॉम्पैक्ट उसमें, तो टाइम भी सेविंग है सर, जल्दी हम लोग पढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा लगा प्रखर, जब आपको मैंने मैसेज किया आप बोले रेडी है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक बार में ही रेडी हो गए, और क्या बोलते बिना किसी हेजिटेशन के कि क्या होगा, जबकि आपका एक्सपीरियंस नहीं था इन चीज़ों को लेकर, है ना, लेकिन आप तुरंत रेडी हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है ना कि हम अवेयर हैं, चलो आप करेंगे देखेंगे क्या होगा वो पता नहीं, देखा जाएगा, है ना। सर लेकिन इस चीज में भी जब हम लोग का मॉक होता था तो वहां से भी इस चीज का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। उस वक्त भी हम लोग क्लास में बच्चे सबके सामने ही ऐसे ही मॉक प्रेजेंट होता था, प्रेजेंट करना पड़ता था, ऐसे लगभग सिमिलर ही होता था सर। बस क्वेश्चन, आज तो हम बातें कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन आंसर होते थे डायरेक्ट। और कई बार ऐसा होता था मैं आपको बोलता भी था कि प्रखर कंटिन्यू रहो, कंसिस्टेंट रहो, क्लास मत मिस करो, ऐसा बोलता था ना। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा उस समय हो सकता है बुरा लगता होगा लोगों को कि यार सर बार बार पिच करते हैं कि कंसिस्टेंट रहो ये करो, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आप लोगों को दिखता होगा कि यार बेनिफिट ही था, मतलब जैसे कि टीचर कभी गलत, मतलब गलत क्यों ही बोलेगा उसको, तो यही है ना। अब मुझे कितना प्राउड फील हो रहा है कि क्या बोलते हैं, 1 साल के एक्सपीरियंस पे, मतलब आपका स्ट्रक्चर का 1 ही साल का एक्सपीरियंस है, जैसे आपने बोला ना सर मेरा पैकेज डबल हो गया लगभग, मैं खुश हो गया, बस मेरे को ऐसे लगे मतलब ऐसा पूरा दिन बन गया। सुबह सुबह किसी को मैसेज आ जाता है कि सर आई जस्ट गॉट सेलेक्टेड इन दिस कंपनी और ये पैकेज लगा, मुझे ऐसा लगता है हो गया यार एनर्जी आ गई पूरा, मतलब कभी कभी इंसान थका रहता है बैच वैच लेके, लेकिन जैसे ही सुनने को मिलता है ये पैकेज लग गया, अरे वाह, मतलब सक्सेसफुल हम हो गए कहीं ना कहीं, और सक्सेसफुल नहीं हुए अभी, सक्सेस की राह पे है, अभी तो बहुत कुछ करना है ना, बहुत कुछ सर करना है। मैं अपार्ट फ्रॉम दिस जॉब अपना वो भी करता हूँ, अपना डिजाइन भी करता हूँ। मैंने अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो उत्तराखंड की है उसमें ग्रेड 3 स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ मैं। ग्रेड 3 का हमें 9 मीटर तक की परमिशन है, वो 1 साल बाद 5 मीटर तक चले, वो 5 फ्लोर तक चली जाएगी। तो अच्छा मैं सर, पार्ट टाइम वो भी करता रहता हूँ सर। और जैसे ऑटोकैड में हमने बेसिक प्लानिंग सीखी, तो एक बायलॉस के मैंने उनके बुक्स निकाली थी, बायलॉस पढ़ के सर वो भी मैं बना के दे दे रहा हूँ। मैंने अभी तक 5 ड्रॉइंग सबमिट कराई हैं अरे एमडीबीए वाह, जो है, अरे वाह क्या बात, ये जो तुम्हारा एक, आर्किटेक्चर पास कर। तुम्हारा एक मुझे ये तो तुम्हारा बहुत पहले से प्लान है, मुझे याद है, मुझे तुम्हारा एक प्लान याद आ रहा है, वो होटल वाला याद है क्या तुमको? देखो मुझे याद वो है इतना सर दिन का होटल और प्रोजेक्ट तुम्हारा, और 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा मुझे लगता है, और प्लस मैं तो दिन भर प्रोजेक्ट देखता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा होटल और प्रोजेक्ट याद है अभी। तुम उस पर जिस हिसाब से लगे थे ऐसा लग रहा था कि तुम उसको बनाना चाह रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि तुम उसके वेंटिलेशन पे ध्यान दे रहे थे, उसके मतलब कि हर एक चीज़ पे कॉलम्स के पोजिशंस पे ध्यान दे रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारे तो वो स्किल्स है कि तुम लोगों के प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हो, वो मुझे उसी समय दिख गया था। अभी सर अभी मैं थोड़ा सेटल अप हुआ, अभी लास्ट मंथ ही आया हूँ, 1-2 महीने में फिर मैं वो अलग BIM भी करूँगा एक बार बहुत अच्छी कोर्स। बात है, तो व्यायाम इसलिए करके रखना चाहिए, देखो कैसे होता है, हर किसी को ना अपना एक बैकअप प्लान रखना चाहिए, है ना। जैसे कि अभी हम लोग एक बैकअप के तौर पे क्या करिए कि हमने, मैंने खुद भी ना व्यायाम और स्ट्रक्चर व्यायाम में तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, पीवी का प्रोजेक्ट मुझे लॉकडाउन में आया था, तो मैंने सोचा पीवी तो मुझे आता नहीं था, लॉकडाउन में मैंने पीवी सीखा, खूब दबा के सीखा, फिर मैंने एक वेयर हाउस का डिज़ाइन किया, कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार पीवी कर सकते हैं और मज़ेदार है, और फिर उसके बाद फिर मुझे पीवी की एक्सपर्टीज ठीक ठाक, अभी इस समय मैं मानूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगा 100 में से 100, बट 100 में से 80 तक का मैं अपना रेशियो दे सकता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे और कुछ डेवलप करना चाहिए, इस समय मैं प्रीकास्ट के बारे में जब भी समय मिलता है मैं प्रीकास्ट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के
कैसे होता है कि जैसे आपने बोला ना कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद आपने प्लान किया कि आगे हमें बीआईएम गुरुकुल में आके बीआईएम की एक्सपर्टीज रखूंगा अपने पास, बहुत अच्छी बात है, बैकअप है ना। ठीक है, मुझे इंडस्ट्री में लगभग 10 साल हो गए, तो अब मैं भी ये सोचता हूँ कि यार नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या अपडेट नहीं। और चाहे क्या है कि देखो हल्को स्ट्रक्चर में ऐसा लगा कि यार बहुत ज़्यादा पैकेज रश हो रहा है, आपके पास बैकअप प्लान है, निकाला घर से हो गया, या फिर कल को प्रखर मुझे ऐसा लगता है कल को आपको अपना जॉब स्टार्ट करना है, अपना वर्क स्टार्ट करना है, अब आपके पास एक ऑल इन वन सोल्यूशन हो गया ना, स्ट्रक्चर डिज़ाइन की एक्सपर्टीज, बीआईएम की एक्सपर्टीज, प्लानिंग की एक्सपर्टीज दो ना, आपकी दुकान से कोई बाहर ही नहीं जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और क्या फ्यूचर अभी प्लान कर रहे हो, कुछ और बताना चाहो बता सकते हो। सर अभी तो अब धीरे धीरे अपनी फॉर्म स्टार्ट करनी है। इनिशियली पेरेंट्स ने भी वो करा मुझे कि अभी पहले खुद से एक बार स्टार्ट करो सर। ये बहुत अच्छी चीज है, और जब खुद से करते हैं ना तो अलग उसका दर्द रहता है, अलग से वो वैल्यू चीज उसके की रहती है। वैल्यू बहुत तगड़ी रहती है उस चीज को लेकर। और मुझे लगता है तुम कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो मैंने वो देखा हुआ कि तुम मैनेज करते हो चीजों को, अच्छा करते हो, होपफुली कि आगे बहुत अच्छा करो। और थैंक यू सो मच प्रखर, आपने समय दिया इसके लिए। एंड सेकेंड चीज, मैं चाहूंगा जल्दी से वो वाली जो फॉर्म है उसको तो रजिस्टर्ड करके जितना बड़ा कर लो, फिर एक पॉडकास्ट करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नाउ इंटरप्रेन्योर प्रखर, वो जर्नी भी हम लोग थैंक देखेंगे। लेकिन अभी पहला कोशिश करना, जितना सीख सकते हो ना इसमें, इसमें उतना सीख लेना, तो वो तो फ्यूचर है, करेंगे चलो। और डेली कुछ ना कुछ अच्छा चेयर मेरे से लर्न कर लो, कि डेली कुछ ना कुछ हमें सीखना है, चाहे आधा घंटा ही सीखना है। यूट्यूब पर किसी का एक वीडियो देख लो कि आज एक वीडियो हमने देखा, और हो सके तो उसको लिख लो ये सीखा हमने। ठीक है, एक लाइन ही सही 30 लाइन महीने में हो जाएगी, है ना। चलिए, आपको आप कुछ बताना चाहोगे कि गुरुकुल में और क्या किया जाए सर, की बेटर रहेगा, कुछ अगर सजेशन देना चाहो तो बिल्कुल बताओ, और क्या बेटर कर सर, सकते हैं। गुरुकुल में ही पढ़ के अभी तक मैं सक्सेस के रास्तों पे चल रहा हूँ। अभी तक तो कुछ मुझे उसमें ऐसा लगता नहीं है। ऑलमोस्ट बेसिक से पढ़ाते हैं सर, डिटेल्स कंप्लीट है, सारी चीजें रहती हैं। और तो उसमें ऐसा ऐसे है नहीं कि आप ऐसे टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं जैसे आप बीएबी कह रहे हैं या प्रीकास्ट कह रहे हैं, ये सब उसमें ऐड होगा तो और अच्छा अच्छा, एक होगा। उसी प्रकार आपका कॉलेज कौन सा था बता दो, तुम्हारे कॉलेज के बच्चे अगर देखे तो वो भी देखे ना। ग्राफिक एरर यूनिवर्सिटी डीन यूनिवर्सिटी मास्टर्स से, मास्टर्स से सके थे दोनों दोनों इसी से ज्यादा सर इसी ठीक से है। क्या। अरे चलो, अभी आपने कॉलेज को भी ये वीडियो शेयर करना, और क्या बोलते हैं जो लोग देख रहे हैं देहरादून वाले, वो लोग सपोर्ट करना प्रखर के, और प्रखर के वीडियोस को शेयर करना, सपोर्ट क्या करो, सपोर्ट तो हो गया है। ठीक है, और शेयर करना कुल मिला के आपके कॉलेज का, अगर कोई सीनियर जूनियर जा रहा है तो उसको तुम तो खुद ही रिकमेंड करोगे, अच्छी बात है। और ऐसी कोशिश करिए करना है कि देखो मैं यही कोशिश करता हूँ कि सिविल इंजीनियर कैसे रेपुटेटेड बन सके, जितना बेहतर हो सके, कैसे अपने स्ट्रीम को हम लोग आगे बढ़ा सके। थैंक यू सो मच प्रखर, चलो अब जल्दी से तुम अपना कुछ बड़ा करो फिर से। ठीक है, अभी डबल किए तो आए हम लोग, फिर से कुछ पॉडकास्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, ओके प्लेजर इज ऑल माइन। ओके, दैट्स इट।